लगता है ये मन कमज़ोर, मन शांत है, पर बाहर की हर परिस्थिति का परभाव, पराया भाव मेरे स्वभाव पर हावी हो जाता है। तो इस पराए भाव को अपनाओ नहीं, स्वभाव को इतना स्ट्रांग बना लो, इतना शक्तिशाली कि ये पराए भाव को भी परिवर्तन करते हैं। तो चल चेक करते हैं हम अपने अंदर को, करेंगे सभी। हमारा मन प्रभावित तो नहीं है, क्योंकि स्थितियाँ परिस्थितियाँ सब कुछ बदल रहा है, बदलता रहेगा, पल पल बदल रहा है। कुछ भी, एक घड़ी भी, अभी अभी तो बाहर थे, अभी अभी अंदर भी आ गए हो, दूसरी घड़ी से मैच नहीं करती है। फिर क्यों अपने मन को उस बीती हुई घड़ी के साथ बांध के रखते हो? बदल रहा है, बदल जाएगा। जो परिस्थिति आज है वो अगली घड़ी में बदल जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो, अगर आज कुछ खोया है तो अगले पल कुछ मिल भी जाएगा, विश्वास रखो। तो चलो चेक करें अपने अंतर को कुछ देर के लिए, मन को शांत, एकदम शांत। ये दुनिया हर पल बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, अभी अभी सो रहे हैं, नजर आता था अब चांद नजर आता है, अभी अभी हम घर पर थे, फिर रास्ते में आ गए और अब यहां बैठे हैं। हर घड़ी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, एक दृष्टा की तरह, एक दर्शक की तरह सृष्टि रंगमंच पर होते इस नाटक को देखें। प्रतिपल सीन बदल रहे हैं, ये सीन अगर आज दुखदाई है तो कल सुखदाई होने वाले हैं। कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है, ये प्रकृति परिवर्तनशील है। ये परिस्थितियां परिवर्तनशील है। सब कुछ इस रंगमंच पर विनाशी है, अस्थाई है, पर मैं भ्रुकुटी के मध्य चमकती हुई शक्ति, मैं शक्ति सदा हूँ।
मैं चेतन हूं। बाहर सब कुछ जड़ है, मैं रचयिता हूं। बाहर मेरी ही रचना है, चेक करें कहीं जड़ता का प्रभाव मुझे चेतन शक्ति पर तो नहीं पड़ रहा। चेक करें और चेंज करें, मेरे अंतर की शांति, शक्ति, प्यार, प्रकृति और पुरुष सबको परिवर्तन करने में समर्थ है। मैं स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूं। महसूस करें ये स्वभाव हर पराए भाव पर हावी है, हर पराई स्थिति पर मेरी स्वस्थिति की विजय है। महसूस करें इस सत्य को, जब भी दुनिया में भी कोई आपदा आती है तो उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, आपदा प्रबंधन करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। कोई दिक्कत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, उसकी तैयारी कुछ हम भी करते हैं और कुछ सरकार भी हमको ट्रेनिंग देती है और आजकल तो YouTube भी देता है। अब जीवन में कोई परिस्थिति आए, बाहर तौर पर उससे कैसे निपटना है वो तो हमें बता दिया जाता है, पर अंदर को कैसे निपटना है, कितनी भी तैयारी कर लो बाहर से पर अंदर से हिल गए ना तो कुछ भी आता हो, कितनी भी शक्ति हो, शीर्ण हो जाती है। अंदर से आत्मा शक्तिशाली नहीं है तो जीवन में सभी लोग कोशिश करते हैं कि कोई दिक्कत आ जाए तो पैसे थोड़े बैंक में रखते हैं, FD कराते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं, दिक्कत आ जाए तो काम में आएगी, इसीलिए करते हैं ना। प्रॉपर्टी काम में आती है नहीं आती वो एक अलग बात है, परंतु अगर अंदर की स्थिति काम में नहीं आई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। समझो हमने बहुत कुछ जमा किया है, अपने में से किसी को ज़रूरत पड़ी दे सकते हैं, परंतु अगर अपने पास ही कुछ नहीं होगा, फिर अपने में से किसी को ज़रूरत पड़ी, फिर वो दिक्कत का विषय है। ऐसे ही यह है स्थूल धन की बात, सूक्ष्म शक्ति की भी यही बात होती है
किसी अपने को हमारी ज़रूरत पड़ी, वो दुखी है, परेशान है, उसके जीवन में कोई विपदा आई है, हम ही कमज़ोर हैं तो उसको क्या शक्ति देंगे? होता है ना ऐसे, हम ही कमज़ोर हैं, अंतरात्मा कमज़ोर है तो उसको शक्ति नहीं दे सकते। कैसे बटोरे उस शक्ति को, उसका आपने कुछ FD कराई है अंतर्मन की शक्ति की? आजकल क्या है, बिजली की बचत हो तो उसके लिए क्या करते हैं, बिजली का स्विच ऑफ करेंगे। पानी बह रहा है, पानी की कमी ना हो जाए पानी का नलका बंद करेंगे, करते हैं ना। पानी बचाओ, बिजली बचाओ, ये सब बचाओ, सौर ऊर्जा बचाओ, हवा की ऊर्जा बचाओ, बहुत बातें होती हैं। ये मन की शक्ति, इसको बचाओ, ऐसा कोई अभियान निकाला है किसी ने? इसकी बड़ी कमी हो गई है, इतनी कमी हो गई है, क्यों? व्यर्थ गवा रहे हैं। पानी व्यर्थ ना जाए बड़ी सोच है, बिजली व्यर्थ ना जाए उसकी भी सोच है, परंतु मन की शक्ति व्यर्थ ना जाए, ये श्वास से बड़ी कीमती है। उससे पूछो जो हॉस्पिटल में अंतिम श्वासें गिनता है, ये श्वासें व्यर्थ ना जाए, ये समय जो बीत रहा है ये व्यर्थ ना जाए, इसके लिए कोई बजट है, कोई प्लानिंग है? जब विपदा आती है इसकी बड़ी ज़रूरत होती है, थोड़ा सा टाइम मिल जाए, चलते चलते श्वासें रुक जाती हैं, उस समय अंदर से आते थोड़ी सी श्वासें मिल जाए, समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, ये सब शक्ति है। जो दिख रहा है केवल वही शक्ति नहीं है, वो स्थूल शक्तियां हैं। ये शक्ति हर एक मनुष्य आत्मा को परमात्मा ने दी है। इन शक्तियों का कोई बजट, कोई बचत, कोई प्लानिंग है? नहीं है। इसीलिए जब दिक्कत आती है तो ये संकल्प हमारे हाथ में नहीं रहते, व्यर्थ चलते जाते हैं, समझ में नहीं आता, समय हमारे हाथ से खिसक जाता है, हम कुछ कर ही नहीं पाते। श्वासें निकल जाती हैं, बोल भी निकल जाता है, फिर कुछ कर नहीं पाते, कुछ गलत कर देते हैं। ये सब शक्ति है, ऊर्जा है। जैसे समय आने पर वो धन आपकी मदद करता है जो बचा कर रखा है, वैसे ही जब हलचल का समय होता है तो ये संचित धन, अविनाशी धन, ये सूक्ष्म धन आपके काम आना चाहिए। पर यदि बचत ही नहीं गई है, उसको FD किया ही नहीं है, बचा कर ही नहीं रखा, व्यर्थ गवाते जाते हैं, पूछो अपने आप से कितना टाइम वेस्ट करते हैं, कितनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, कितने संकल्प वेस्ट करते हैं, ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं। ये संकल्प अगर बचा कर रखें तो जादू कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। जैसे आत्मा एक सूक्ष्म शक्ति है, उसकी बात तो हमने बहुत की, स्थूल रूप को भी समझ जाएं पहले। पानी को आपके यहाँ बांध है, पानी से बिजली पैदा हो जाती है, होती है, कैसे पैदा होती है? वो जब तेज़ बहाव से एकाग्र होकर पानी टर्बाइन्स पर पड़ता है, मोटर पर, फिर वो पानी, पानी और अग्नि दोनों अपोजिट हैं, पर वो पानी बिजली बन जाता है।
परिवर्तन, कितना बड़ा परिवर्तन। ये मन अगर एकाग्र हो गया तो क्या नहीं कर सकता। पानी किस स्पीड से बह रहा है वो सबको पता है, बता भी देंगे, नहीं पता तो बता देंगे, पर इस मन के बहाव को तो कितनी स्पीड से बह रहा है कोई नहीं बता सकता। मन की गति संपूर्ण सृष्टि में सबसे तीव्र है। यदि इसको हमने संजो लिया, इस शक्ति को, तो आप जो चाहो वो हो जाएगा, जो चाहो वो हो जाएगा। और ये शक्ति परमात्मा ने ऊपर से सबको दी है, पर इसको हम बचाते ही नहीं हैं और ही व्यर्थ गवाते हैं, व्यर्थ गवाते हैं। पानी व्यर्थ हो गया, बह रहा है तो क्या ले आएगा, बाढ़ भी ले आएगा। ये भी ऐसे ही होता है, मन की शक्ति व्यर्थ जाती है तो जीवन में बाढ़ें आ जाती हैं। क्या से क्या सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, इतनी स्पीड से सोचते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता क्या करें। सबसे बड़ी बीमारी है व्यर्थ संकल्प। इसको संजोना सीख जाओ। सहज है, समर्थ तरफ लगाना सीख लो। अच्छी बातें सोचोगे, बुरी बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। बाल्टी में मिट्टी है, एक तरीका है मिट्टी हाथ डालो निकालो, बड़ा मेहनत है। साफ पानी डालते जाओ अपने आप मिट्टी बाहर, थोड़ी देर में अपने आप सब कुछ साफ हो जाएगा। समर्थ डालो, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। व्यर्थ को निकालने में शक्ति क्षीण मत करो, व्यर्थ मत गवाओ। तो इस शक्ति को बचाओ। समय बहुत कीमती है, पर दुनिया में भी ऐसी ऐसी चीज़ें बन गई हैं जो समय व्यर्थ गवाते जाओ गवाते जाओ। सबके हाथ में है वो, जो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम खा जाता है ना, सबके पास, मेरे पास भी है, देखो सबके पास है। पर इसको ना, ये हमारी रचना है, इस रचना को, इस साधन को यूज़ करने वाली मैं साधक हूँ। अब मुझे इस साधन का गुलाम होना या मालिक होना है ये मुझे देखना है। इसको मुझे यूज़ करना है या मिसयूज़ करना है ये मुझे देखना है। मुझे लाभ कहाँ है और नुकसान कहाँ है ये मुझे देखना है। जैसे पैसे के बारे में सोचते हो, ये करेंगे तो प्रॉफिट है, वो करेंगे तो लॉस है, सोचते हैं ना, बुद्धि जाती है, इसे नुकसान होगा, इसे फायदा होगा, ये नहीं करना चाहिए। तो पैसे तो दिखाई देते हैं, पर ये जो समय, ये जो संकल्प है, ये फिर लौट के नहीं आने वाले। गया तो गया, फिर लौट के नहीं आएगा। बचा लिया, समर्थ बना लिया, तो आने वाले समय में जब आपको बहुत ज़रूरत होगी तो ये संकल्प आपके काम में आएंगे, विचलित नहीं होंगे, आप अचल रहोगे। ये व्यर्थ जा रहा है, इसलिए जब ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को, अगर आप वेस्ट करो तो ज़रूरत के टाइम आपको धोखा दे देगा। समर्थ तरीके से यूज़ करो, उसकी वैल्यू को समझो। इंसान की भी अगर आप वैल्यू नहीं करते हो ना, वो आपको धोखा देगा, पक्का देगा। किसी भी चीज़ को, और ये तो बहुत सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, भगवान ने दी हैं, समय की वैल्यू नहीं करोगे, समय आपको समय आने पर धोखा देगा। चाहोगे मिल जाए पर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसकी वैल्यू नहीं की। चाहोगे मेरा मन स्थिर हो जाए, पर क्योंकि संकल्पों को बहुत व्यर्थ गवाया है, सोच सोच कर, बातों को पकड़ पकड़ कर, तो वो संकल्प आपकी मदद नहीं करेंगे। श्वासों को व्यर्थ गवाया है, बोल को व्यर्थ गवाया है, कुछ भी बोल देते हैं ना।
यदि इस बोल की शक्ति को समझ जाओ तो आपके बोल वरदान बन सकते हैं। जो बोलो वो सामने वाला ना करे या कुछ ना हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, पर बहुत व्यर्थ गवाते हैं। जब मैं जॉब करती थी तो सैटरडे संडे ऑफ होता था, तो पहले मैं 2 दिन मौन व्रत रखती थी, फिर सेवाएं बढ़ गई तो मैंने 1 दिन कर दिया, फिर और बढ़ गई तो आधा दिन कर दिया, पर किया ज़रूर। पर मुख का नहीं है केवल, मन का भी है, व्यर्थ ना चले। टाइम नहीं मिलता, खुद से प्रॉमिस करो सुबह 8 बजे तक चुप रहेंगे, 7 बजे तक चुप रहेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, यदि खुद को थोड़ा सा अपने पर कंट्रोल करके, नियंत्रित करके करके देखो, आपको खुद को लगेगा। जैसे बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाए तो बड़ी खुशी होती है ना, प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, उसको देख देख कर भी खुशी होती है। आपको पता नहीं है ये जो अंदर से प्रॉपर्टी, अविनाशी प्रॉपर्टी, जब आप संजो कर रखोगे ना, इतनी शक्ति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी, इतनी खुशी होगी। उतनी खुशी तो आपको दुनियावी किसी प्राप्ति से नहीं हो सकती। अंदर का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, सारे डर दूर हो जाएंगे। बच्चों को भी एग्जाम से कब डर लगता है, कब डर लगता है, कब डर लगता है, जब तैयारी नहीं होती। तो हमें भी हर छोटी छोटी परिस्थितियों से क्यों डर लगता है, हम तैयार नहीं हैं, अंदर से कमज़ोर हैं, सोचते थोड़ा सा कुछ और हो गया तो कुछ और ही ना हो जाए मुझे, अंदर से शक्तिशाली नहीं हो। ये शक्तियाँ होंगी ना, छोटी मोटी बातों की तो परवाह ही नहीं करोगे, और बड़ी हो जाए तो भी उसके लिए इतने सशक्त होगे कि अपना और अपनों का ख्याल रख सको। पर तैयारी नहीं करते हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए। तैयारी तो पहले होती है, एग्ज़ाम के टाइम कोई पढ़ता है क्या? उस समय तो पेपर देना होता है, फिर पास या फेल। तैयारी है तो पास, और नहीं है तो फेल।